मैं कपिल कांत शर्मा एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद कपिल पर बहुत स्वागत करता हूँ। जो बच्चे सिपाही भर्ती की कट ऑफ का इंतजार कर रहे हैं, जो बच्चे इंतजार कर रहे हैं कि भाई फिजिकल कब होगा, जो बच्चे इंतजार कर रहे हैं कि भाई ये भर्ती पूरी कब होगी, उनके लिए खबर खास होने वाली है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो खबर आई है वो आपके सामने है। और खबर में क्या है? सिपाही भर्ती को जल्द पूरा करने की कसरत शुरू। पूरी खबर को देख लेते हैं। आज ही के अखबार की एक खबर है और किससे संबंधित खबर है ये भैया? 60,244 जो पद हैं यूपी पुलिस के, उनसे संबंधित ये पूरी खबर है। आरक्षी नागरिक पुलिस के 60,244 पदों पर भर्ती की लिखित परीक्षा सकुशल संपन्न होने के बाद आगे की तैयारी शुरू हो गई है। पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के अधिकारियों ने बैठक कर भर्ती प्रक्रिया से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर सप्ताह में अभ्यर्थियों से आपत्ति आमंत्रित किए जाने की तैयारी है। मतलब यहाँ पर देखिए, ये निश्चित है कि अब आपका रिजल्ट जो है वो जल्द ही देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं, लिखा गया है कि एक सप्ताह में अभ्यर्थियों से आपत्तियां आमंत्रित किए जाने की तैयारी। किस क्वेश्चन पर विवाद है ये तभी पता लगता है जब आंसर की आती है। क्यों? क्योंकि जब बच्चे मैच करते हैं कि भाई हमारे हिसाब से ये उत्तर सही है और बोर्ड ने कर दिया है ये सही, तब ये विवाद आता है। तो उसके बाद क्या ली जाती है? आपत्तियां ली जाती है। और उसके लिए बोर्ड ने क्या कहा? एक सप्ताह के अंदर ये लिए जाने की संभावना रहेगी। भर्ती बोर्ड अभ्यर्थियों की दौड़ 4 माह के भीतर कराने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहा है। मतलब अगले चार महीने का मतलब लगभग आपको दिसंबर के आसपास ये दौड़ जो है देखने को मिल सकती है, फिजिकल देखने को मिल सकता है। सर्दी के मौसम में विभिन्न जिलों में दौड़ कराए जाने पर विचार विमर्श चल रहा है और भर्ती बोर्ड जल्द कट ऑफ मेरिट को लेकर निर्णय करेगा। इससे पूर्व लिखित परीक्षा में शामिल किए गए संदिग्ध अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की पड़ताल होगी और भर्ती बोर्ड अगले चरण में कट ऑफ मेरिट जारी कर अभ्यर्थियों को उनके प्रपत्रों की जांच व शारीरिक मापदंड परीक्षा के लिए बुलाएगा, जिसमें सफल अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा मतलब दौड़ होगी। और इन सभी प्रक्रियाओं के दौरान पूरी सतर्कता बरतने के साथ ही कड़े सुरक्षा प्रबंध सुनिश्चित किए जाएंगे। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 4.8 किलोमीटर मतलब 4800 मीटर की दौड़ और महिला अभ्यर्थियों के लिए 2.4 किलोमीटर मतलब 2400 मीटर की दौड़ यहाँ पर है। तो इससे साफ है कि आपकी जो आंसर की है वो अगले सप्ताह तक आने की पूरी उम्मीद है। मतलब ये मान के चले आप 10 तारीख तक जो है आपको बिल्कुल देखने को मिल सकती है आंसर की। और उसके बाद लगभग एक सप्ताह तक जो है ये आपसे आपत्ति लेंगे और फिर उसके बाद कट ऑफ बिल्कुल जारी की जाएगी। तो कुल मिलाकर अगर कट ऑफ की बात करी जाए तो ये 20 तारीख के आसपास तक कट ऑफ भी देखने को मिल सकती है। तो ये अभी तक जानकारी निकल कर आई थी। आगे जो भी जानकारी होगी उससे बिल्कुल अवगत कराया जाएगा। अभी तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट अपडेट तक बने रहे साथ। धन्यवाद।